हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते अनाज मंडियों में गेहूं खरीद प्रक्रिया को भी रोक दिया गया, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अनाज मंडी में मौजूद किसानों से जब बातचीत की तो किसानों ने कहा कि अभी तक उनकी पिछली गेहूं की पेमेंट ही उनके खातों में नहीं आई है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब सरकार ने एक सप्ताह के लिए मंडियों को बंद कर दिया है, तो ऐसे में वो अपने अनाज को लेकर कहां जाएं, क्योंकि घरों में इतने अनाज को डालने के लिए जगह होती ही नहीं है। कल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन की घोषणा की। हम इस समय झज्जर के सिलानी गेट पर खड़े हैं और सिलानी गेट एक वो जगह है जहां पर सबसे व्यस्तम चौक है और यहां पर अमूमन जो है गहमा गहमी रहती है, लेकिन यहां पर मेडिकल और जो सब्जी की दुकानें हैं उसको छोड़कर तमाम सभी दुकानें बंद कर दी गई है। पुलिस की भारी व्यवस्था यहाँ पर है, सभी व्हीकलों को यहाँ रोक कर उन्हें चेकिंग किया जा रहा है, जो जरूरी काम से जा रहा है उन्हें जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उनके चालान किए जा रहे हैं, उन लोगों के चालान किए जा रहे हैं। हालांकि लोग अलग अलग आर्गूमेंट पुलिस वालों को दे रहे हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही है और पूरी तरह सख्ती दिखाई दे रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लॉकडाउन का पालन किसी भी हाल में और हर हाल में करेंगे, क्योंकि जो कोरोना की महामारी है, कल भी दो लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई थी, परसों तीन लोगों की मौत हुई थी, तो कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी था। इसलिए सूबे के गृह मंत्री ने कल लॉकडाउन की घोषणा की, सोमवार से और रविवार तक सख्त लॉकडाउन किया जाएगा।